नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भारत के अंदर रहते हैं और सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो नया टेलीकॉम बिल को यहाँ पर लाया जा रहा है उस टेलीकॉम बिल के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पर हमारे पास निकल गया है, जहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी जल्दी भारत के अंदर जो भी सैटकॉम कंपनी है उनको स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। हालांकि कुछ कंपनी को ऑलरेडी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम मिल चुका है, लेकिन इसके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट अभी हमारे पास निकल गया है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये खबर को सुनकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी जो होने वाला है वो सैटेलाइट इंटरनेट होने वाला है। अगर मैं भारत जैसे देश की बात करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर किसी भी तरीके से इंटरनेट पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। एकदम रिमोट से रिमोट प्लेसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो उस जगह के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के मदद से इंटरनेट पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तो उस जगह के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट काम में आएंगे। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट काम किस तरीके से करेंगे, सिंपली आप जहाँ पर भी इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पर सैटेलाइट इंटरनेट को लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस तरीके से डीटीएच होते हैं, एक छतरी लगा होते हैं आपके घर के छत पर, ठीक सिमिलर तरीके से एक छतरी यहां पर आपके घर के छत पर लगा हुआ होगा और वो ऑटोमेटिकली जो नियरेस्ट सैटेलाइट है उसे यहां पर ढूंढ लेंगे, और एक राउटर बैठा होगा आपके घर के अंदर जिसके मदद से आपको मिली इंटरनेट का एक्सेस यहां पर मिल जाएंगे, और यहां पर आपको जीबीपीएस लेवल तक की स्पीड मिल सकते हैं। और सैटेलाइट इंटरनेट का खास बात यह है कि आप भारत के अंदर कहीं पर भी रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कनेक्टिविटी मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ मेनली अगर किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर भी आ जाते हैं तो नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर काट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो यहाँ पर काट हो जाते हैं, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया मतलब वो हमेशा ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भारत के अंदर जो सैटेलाइट इंटरनेट या जो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसका मेनली डिस्ट्रीब्यूशन एज ए ऑक्शन के अंदर किया जाने वाला था। देखिए, 2012 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक राय आया था जब 2G स्कैम हुआ था, उसके बाद कि भारत के अंदर अगर किसी भी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वो एक ही प्रोसेस से होंगे, वो होंगे ऑक्शंस के प्रोसेस, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से मेनली टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होंगे। लेकिन काफी दिन से हमें ये लग रहा था कि ये जो सैटकॉम के जो स्पेक्ट्रम है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मेनली इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पहले से ही रिलायंस जो इसके खिलाफ था, रिलायंस जो ये चाहता था कि जो सैटेलाइट के जो स्पेक्ट्रम है वो मेनली ऑक्शंस के अंदर जाए और उसके बाद मेनली स्पेक्ट्रम को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन नया टेलीकॉम बिल जो है वो इसे सपोर्ट कर रहा है, और नया टेलीकॉम बिल के अंदर जो सैटेलाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वे से, और काफी जल्दी मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट भी किया जाएगा। और इसके लिए जो टेलीकॉम कंपनीज है या जो सैटकॉम कंपनीज है उनको काफी कम भी पैसे देना होगा। रिलायंस जियो के जो जियो स्पेस फाइबर जो ऑलरेडी जो रिसेंटली हुआ था ना दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर इंडियन मोबाइल कांग्रेस, उसके अंदर उसका डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। एयरटेल कंपनी अपने वन वेब के साथ सैटकॉम सर्विस को चलाने वाले हैं। उसी के साथ अगर मैं बाकी कंपनियों की बात करता हूँ तो यहाँ पर इलॉन मस्क के कंपनी स्टारलिंक वो भी मेरे सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर आ रहे हैं भारत के अंदर। एयरटेल का वन वेब तो है ही, अमेजोन का एक प्रोजेक्ट है जुपिटर जो मेरे सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगे, तो काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज है जो भारत के अंदर अपने सैटकॉम सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। तो वैसे एक टाइम के अंदर अगर इस तरीके से स्पेक्ट्रम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, और हमें हो सकते हैं कि 2024 साल से ही भारत के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट स्टार्ट हो जाए। ऑलरेडी जियो की तरफ से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, एयरटेल भी पीछे नहीं रहेंगे, और एक ट्रेडिशन यहां पर चल रहा है जियो जो चीज लॉन्च करना था एयरटेल उससे पहले ही कर देते हैं, तो डेफिनेटली इस जगह के अंदर भी हमें लगते हैं कि एयरटेल जियो से बाजी मार लेंगे। आपको क्या लगता है आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये काफी जबरदस्त अपडेट है भाई, क्योंकि हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव वो हमारे जो टेलीकॉम बिल है उसे यहां पर पास किया है, और ये जो पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव वे से जो स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन है बाद में कोई भी कंपनी इसके ऊपर केस कर सकते हैं, तो इसी कारण से गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास से इसका ग्रीन सिग्नल जो है वो यहाँ पर ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट का परमिशन है, जिस कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव वे से मेनली जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अभी देखते हैं किस तरीके से जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर होते हैं। जब भी सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शंस आ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली एक डेमो बनाने की कोशिश करूंगा, मैं खुद सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शंस लेने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि सैटेलाइट इंटरनेट का सर्विस कैसा है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।